अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम देखेंगे कि पीपीसी एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं और उनका एनालिसिस हम किस तरह करते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए कैंपेन्स को। अगर ऑटो कैंपेन है या मैनुअल कैंपेन है तो उसमें की सर्च टर्म रिपोर्ट से हम डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने इन्वेंटरी सेलर बोर्ड पे, सेलर डैशबोर्ड, सेलर सेंट्रल के, और यहाँ से रिपोर्ट्स में हम जाएंगे एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट। क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप कैंपेन किस चीज़ का पर्टिकुलर डाटा आपको चाहिए। आपको सर्च टर्म, जो कस्टमर सर्च कर रहा होता है, जो कीवर्ड्स टाइप कर रहा होता है, आपको उसकी डिटेल चाहिए। आपको प्लेसमेंट का डाटा चाहिए कि एक्चुअली ज़्यादा आपको कौन सी पोजीशन पर किस तरह के स्टैट्स मिल रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, कैसी आउटकम आ रही है, या आपको परफॉर्मेंस चाहिए फॉर द कैंपेन ओवर टाइम। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस का जो भी आपको रिपोर्ट रिक्वायर्ड है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम जिस रिपोर्ट कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए जिस रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो सर्च टर्म। सर्च टर्म का ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से डेली चूज करेंगे। रिपोर्ट पीरियड आप मैक्सिमम जो भी डाटा आपको यहाँ पर डेट रेंज मिल रही है आप वो सिलेक्ट कर लें। सम अकाउंट से मे बी 65 डेज का मैक्सिमम डाटा आपको मिल रहा हो। डेट रेंज चूज करने के बाद आप उसको सेव करेंगे। सेव करके यहाँ से आप रन रिपोर्ट प्रेस कर दें। ये आपकी यहाँ पर फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं फाइल रन रिपोर्ट से आपको आपकी डाउनलोडेड फाइल मिल जाएगी। उसके बाद हम रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे। जी, ये है वो रिपोर्ट जो हमने डाउनलोड की हुई थी। ठीक है, इस तरह से ही आपको रिपोर्ट मिलेगी। ये सब कॉलम्स वहाँ पर एडिट होंगे। आप फिल्टर अप्लाई करेंगे और उसके बाद डाटा स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कैंपेन का नेम है कि आपकी कौन सी कैंपेन है। अगर आपके मल्टीपल कैंपेन्स हैं, लाइक आपने ऑटो कैंपेन, मैनुअल कैंपेन, डिफरेंट कैंपेन ऑन की हुई हैं, तो यहाँ पर उस कैंपेन का नेम आ रहा होगा। फिर उसका एड ग्रुप नेम, जो कि यूजुअली वही होता है जो कि हमने कैंपेन का नेम रखा होता है। यहाँ पर स्टेरिक आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी ये जो कैंपेन मेरे पास इस अकाउंट में कैंपेन है वो सिर्फ ऑटो कैंपेन है, इसलिए यहाँ पर स्टेरिक आ रहे हैं। अगर ये मैनुअल कैंपेन होती तो यहाँ पर टारगेटिंग की जगह वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स आने थे जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। मैच टाइप डिफरेंट कैंपेन्स की जो भी आपने मैच टाइप रखी होगी वो यहाँ पर आएगी। कस्टमर सर्च टर्म टारगेटिंग में होता है कि जो कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं। कस्टमर सर्च टर्म में आता है कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट कस्टमर क्या टाइप कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इम्प्रेशंस, क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, स्पेंड, अकॉज, आरओएस, स्पेंडिंग, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, सेल्स, सब डाटा यहाँ पर मिल रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने रिपोर्ट डाउनलोड की, ये फॉर्मेट आ गया। अब आप करेंगे सबसे पहले टोटल सेल्स, आपके पास आपने सबसे ज़्यादा सेल्स किस पर बनाई हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल्स आपको कन्वर्टिंग कीवर्ड यहाँ पर कौन से हैं, तो आप सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फिल्टर अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि अच्छा सबसे ज़्यादा सेल जो मुझे आ रही हैं वो किस कीवर्ड पे आ रही हैं। तो वो मुझे आ रही हैं लेमन स्क्वीज़र। ये मैंने एक जनरल आइटम उठाई है सिर्फ स्टडी करने के लिए। तो लेमन स्क्वीज़र है हमारी हमारा मेन कीवर्ड एक्चुअली, जिससे बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। तो अभी मैं इसका मतलब है जो मैनुअल कैंपेन क्रिएट करने जाऊँगी वहाँ पर मैं लेमन स्क्वीज़र को एज अ एग्जैक्ट मैच टाइप कीवर्ड टारगेट कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये कीवर्ड जो है मुझे बहुत सारी सेल दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड कौन सा है, प्लास्टिक लेमन स्क्वीज़र, फिर क्या है स्क्वीज़र फॉर लेमन, फिर क्या है लेमन ऑरेंज स्क्वीज़र। तो क्या अब मुझे
इन सब कीवर्ड्स को टारगेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम एग्जैक्ट कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं तो मैं इन सब कीवर्ड्स को विद एग्जैक्ट मैच टाइप टारगेट कर सकती हूँ, लेकिन अगर इनको मैं फ्रेज में शिफ्ट करूँ तब मुझे कौन से कीवर्ड रिक्वायर्ड होंगे, तब लेमन स्क्वीजर ये दो कीवर्ड तो सिर्फ लेमन स्क्वीजर ही कवर कर लेगा। ठीक है, लेमन स्क्वीजर एंड प्लास्टिक लेमन स्क्वीजर, अगर हम फ्रेज मैच टाइप में सिर्फ लेमन स्क्वीजर ही रखेंगे तो प्लास्टिक लेमन स्क्वीजर इटसेल्फ टारगेट हो जाएगा। फिर मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आपको अगर हाई नंबर ऑफ सेल्स जिन कीवर्ड्स पे आ रही हैं आप उनको सेपरेटली ही टारगेट करें विद एग्जैक्ट मैच टाइप। ठीक है, अच्छा ये तो अब हमने निकाल लिया कन्वर्टिंग कीवर्ड, अब हम देखेंगे कि नॉन कन्वर्टिंग कीवर्ड कौन से हैं। अगर मुझे कॉस्ट पड़ रही है कुछ ऐसे कीवर्ड्स पर या एसेंस पर तो वो कौन से हैं ताकि मैं उनको नेगेटिव में पुट कर सकूं। ये तो हमने कीवर्ड निकाल लिए, देखिए नीचे एसिन भी आ रही है, ये वो एसिन है। अक्सर कंफ्यूज होते हैं हम कि यहाँ पर तो मेरी एसिन, यहाँ पर एसिन आ रही है तो क्या बायर ने एसिन को टाइप किया था। ये एसिन जो है ये इसलिए यहाँ पर आ रही है क्योंकि हमारी एड शो हो रही थी इस प्रोडक्ट पेज के, इस एसिन के प्रोडक्ट डिटेल पेज के नीचे। ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी पीपीसी लाउंज पे मैनुअल कैंपेन डिस्कस करते हुए काफी डिटेल में देख चुके हैं। तो इस एसिन के थ्रू हमारी एड स्पॉन्सर हो रही थी, बायर जो कि उस इस एसिन पर आया था बाय करने के लिए, उसने जब इसके डिटेल पेज के नीचे मेरी एड देखी तो वहां पर क्लिक किया और मुझसे ही बाय कर लिया। तो अब ये जो एसिन है ये कस्टमर ने टाइप नहीं किया, ये इस पेज के थ्रू हमारी लिस्टिंग पर लैंड हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से ही हम कन्वर्टिंग एसेंस भी निकाल सकते हैं जिनको फिर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन में टारगेट कर सकते हैं, यहीं से हम वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिनको फिर हम एग्जैक्ट मैच टाइप में शिफ्ट कर सकते हैं, यहीं से हम वो एसेंस और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो हमें हाई कॉस्ट दे रहे हैं और हमें उन्हें नेगेटिव में पुट करना है। ठीक है, सेल्स के कॉलम पे हमने फिल्टर लगा के निकाल लिया डेटा जो कि कन्वर्टिंग था। अब हम कहाँ से डेटा निकालेंगे नॉन कन्वर्टिंग के लिए, स्पेंड के कॉलम पे हमने फिल्टर लगाया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और अब हम देखेंगे सबसे ज्यादा स्पेंडिंग किस पे हो रही है। ये देखें सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हमें हो रही है लेमन जूसर पे। अब अगर लेमन जूसर पे हमें क्या ये इरेलीवेंट कीवर्ड है या इरेलीवेंट, सबसे पहले तो स्पेंडिंग होने पर देखें कि वो कीवर्ड रेलिवेंट है या इरेलीवेंट। अब लेमन जूसर जो है इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और जो हैंडी स्क्वीजर है वो भी हो सकता है। ये रीजन है कि ये ब्रॉड कीवर्ड है जिसकी वजह से मुझे बहुत कॉस्ट पड़ रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस लेमन जूसर कीवर्ड को उठाऊंगी और अपने उसी कैंपेन में जाके नेगेटिव टारगेटिंग पे क्लिक करूंगी और उस कीवर्ड को वहां पर डाल दूंगी, जिसमें कि मैच टाइप पर ध्यान रखें कि जब आप लेमन जूसर को डालने जा रहे हैं तो आप इसको एग्जैक्ट मैच टाइप से टारगेट करेंगे, फ्रेज से टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अब आप ये एसिन देख लें, ये एसिन आ रही है। अब अच्छा, सेकंड हाईएस्ट कॉस्ट मुझे किस कीवर्ड पे पड़ रही, वो मुझे पड़ रही है लेमन स्क्वीजर पे। अब क्या मुझे लेमन स्क्वीजर को भी नेगेटिव में डाल देना चाहिए? तो एक तो ये कि ये हमारा मेन कीवर्ड है, दूसरा ये कि देखिए अगर मुझे इस पे कॉस्ट पड़ रही है लेकिन सेल्स भी तो मुझे सबसे ज्यादा इसी पर आ रही है। ठीक है, अब जब मुझे सेल्स इस पर इतनी ज्यादा आ रही है तो मैं इसको नेगेटिव में नहीं डालूंगी क्योंकि अकाउंट मेरा बड़ा आइडियल है, इस पे रिटर्न मुझे इस पे देखें आ रहा है, मुझे कितना अच्छा मिल रहा है। तो जब ये फिगर्स इतनी अच्छी आ रही हैं और स्टिल इस पर अगर स्पेंडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली ये टॉप कीवर्ड है और इस पर स्पेंडिंग भी हाई ही एक्सपेक्टेड है और ये अच्छी कन्वर्जन दे रहा है तो दिस इज माय बेस्ट कीवर्ड ना, इसको तो मैं कन्वर्ट करूंगी इन मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन। जबकि ये कीवर्ड जो मुझे सिर्फ स्पेंडिंग दे रहा और सेल्स नहीं दे रहा, ठीक है, इसको मैं नेगेटिव में पुट करूंगी। अब अगर हम ये एसिन देख लें, ये एसिन जो है हमें स्पेंड तो दे रही है ये $89 की लेकिन इससे सेल नहीं दी है, दिस इज द नेगेटिव एसिन। ठीक है, ये नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम इसको पुट करेंगे इस तरह से। ये एसिन अगर हम देखें तो इस एसिन पे हमें ऑलमोस्ट $30 की स्पेंडिंग हुई है जबकि इस पे सेल्स देखें हमें $272 की आई है। अकाउंट इस पे 10% है, ROS इस पे 9.28, स्टिल इट्स अ गुड एसिन। हम इस प्रोडक्ट को टारगेट करें तो बहुत चांसेस हैं कि हम
देखें अभी क्या हो रहा था, अभी इस कैंपेन में लेट्स से मैंने $20 का बजट लगाया हुआ था जो कि इन सब कीवर्ड्स पे स्प्लिट हो रहा था। देखें इतने सारे ये क्लिक्स इन कीवर्ड्स पे आ रहे हैं तो ये तो स्प्लिट हो रहा है ना, कॉस्ट सारी स्प्लिट हो रही है। अब अगर मैं सिर्फ $5 पे इस सेशन को ले लूँ जो कि मुझे बड़ी अच्छी सेल दे रही है, तो फिर क्या ख्याल है कि ये क्या मुझे अच्छी कन्वर्जन नहीं देगी? इसीलिए फिर मैं यहाँ से सेशन को उठाकर प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके इसको अलग कैंपेन बना लूंगी और वहां पे इसको टारगेट करूंगी। दिस इज द वे कि हम अपनी रिपोर्ट को किस तरह से स्टडी करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव एसेंस को किस तरह से निकालते हैं, कन्वर्टिंग एसेंस और कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को हम किस तरह से निकालते हैं। जी डेटा, अब हमने जब सब सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने नई कैंपेन्स बना ली, अब क्या ऑटो कैंपेन को हमें बंद कर देना चाहिए? देखें ऑटो कैंपेन एज फार एज इट इज़ गिविंग यू गुड रिजल्ट, ये आपको सेल्स आपकी अच्छी आ रही हैं, आवाज़ आपका अच्छा है, ROAS आपका अच्छा है, तो आप इसको ऑफ नहीं करेंगे, हम इसको ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। हमने जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं इसको इसी ऑटो कैंपेन में जाएंगे और नेगेटिव में पुट कर देंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स को भी और नेगेटिव एसेंस को भी, तो इस तरह से ये ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जो कीवर्ड्स कन्वर्टिंग कीवर्ड्स और हमने इस कैंपेन से निकाल के मैनुअल में शिफ्ट कर दिए हैं विद एग्जैक्ट मैच टाइप, मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक करने के रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑटो कैंपेन में अगर वो चल रही है और आपको रिजल्ट दे रही है और आपने उसके बाद उसको मैनुअल में शिफ्ट कर दिया विद एग्जैक्ट मैच टाइप और वहाँ पर भी उसने आपको डाटा लेना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों कैंपेन में इसको चलने दें। लेकिन हाँ, आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने उसको नई कैंपेन में मूव किया और उसके बाद वहाँ पर उसकी सेल्स नहीं आ रही है, वहाँ पर वो कुछ डाटा जनरेट नहीं कर रही है, आप यहाँ से उस वक्त इसको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करके देख सकते हैं कि क्या ट्रैफिक वहाँ पर कन्वर्ट हुई है, क्या कन्वर्जन वहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर वहाँ से स्टार्ट हो गया तो दैट्स फाइन, आप इसको यहाँ पर ब्लॉक रहने दें। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों कैंपेन्स में, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं ना अमेज़न, यहाँ पर भी वो आपको सेल्स देती रहे और आपने मैनुअल में जहाँ पे एग्जैक्ट में इसको टारगेट किया वहाँ पर भी वो सेल्स देती रहे, तो इसलिए हम कीवर्ड को, कन्वर्टिंग कीवर्ड को ऑटो कैंपेन में नेगेटिव नहीं डालेंगे। डिपेंड करता है, अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है कि मैनुअल कैंपेन में पुट करने के बाद ऑटो कैंपेन में इसने आपको कॉस्ट देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर इसने कन्वर्जन बंद कर दिया है और मैनुअल में बड़ा अच्छा चलने लग गया, तब आप इसको नेगेटिव में डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर ऑन रहने दें। इसके अलावा जो आपने अपने कीवर्ड नेगेटिव में एसेंस आपने यहाँ से जो नेगेटिव में डाली है और कन्वर्टिंग एसेंस को आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग में डाल दिया है, तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एनालाइजिंग कस्टमर सिस्टम रिपोर्ट।